और आज के ब्लॉग में ना ज्यादा व्यू ही दिखाई देगा आपको, बातें कम होगी, व्यू और नज़ारा ज्यादा होगा, क्योंकि इतनी तो कुफरी में भी नहीं होगी, क्योंकि ये होगी इस टाइम 10 फुट से ज्यादा जो कि इकट्ठी करके रखी है छत से बर्फ निकालने का काम, वो भी JCB के ऊपर चढ़ के। हेलो माई यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए। तो आज का ब्लॉग शुरुआत करते हैं शिमला से, और अभी मैं शिमला में हूँ और ये विक्टी टनल है जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, और ये मेरे बैकग्राउंड में जो पिछले कल में स्नोफॉल हुई है और उससे पहले एक दिन स्नोफॉल हुई है वो सामने दिखाई दे रही है ऊपर जाखू वाली साइड में और थोड़ी रिज वाली साइड में। यहाँ नीचे जहाँ पर मैं अभी हूँ यहाँ पर स्नोफॉल कम है। वो देखिए गाड़ियों पे स्नोफॉल है, जो ऊपर से गाड़ियां आ रही है अभी कुफरी या नारकंडा साइड से। वो सामने रहा शिमला का रेलवे स्टेशन। कुछ लोग जो हमारी वीडियो इस तरह से देख रहे हैं कि शिमला में स्नोफॉल अभी कितनी है और देखने को मिलेगी जब वो आएंगे कि नहीं मिलेगी, सबको मैं बता दूं आज डेट है 25 जनवरी 2022, और अभी ये जो स्नोफॉल है जितनी अभी आप मेरे बैकग्राउंड में शिमला में यहाँ देख रहे हो जाखू साइड में, इसकी आप एक हफ्ते तक ना 20 या 30% इससे कम कर लो इतनी आपको देखने को मिलेगी, और जो कुफरी साइड होगी इसकी आप डबल कर लो वहाँ पर इतनी होगी। और अभी मैं ना पीछे जाने के लिए काफ़ी एक्साइटमेंट हो रहा हूँ, क्योंकि जो मस्त यहाँ से दिखाई दे रहा है ना वहाँ जाके कितना मस्त होगा, तो चलते हैं। अभी जा रहा हूँ ऊपर की तरफ तो आपको भी ले चलते हैं। सोचा कि आज आपको फिर से एक व्लॉग स्नोफॉल का और एक अलग से दिखाते हैं कुछ डिफरेंट, क्योंकि स्नोफॉल तो जब अलग अलग टाइमों में पड़ी है तो देखने को भी अलग ही होगी।
तो आप सब देख ही रहे हो कि कैसा नज़ारा है पीछे का, क्या मस्त दिखाई दे रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है पीछे का व्यू। और ये अपना सामने ही रिज रहा ऊपर, वहाँ भी चलते हैं अभी। पहले आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि कैसा है, आप मेरे पीछे देख ही रहे हो कितना अच्छा लग रहा है, पर ऐसा मज़ा नहीं आ रहा। ऐसे देखो आप एक बार, शिमला और मंकी वो तो भाई आपको पता ही मिलेंगे ही। और ये भी देख लो एक पहाड़ स्नोफॉल का, और ये सब यहाँ से इकट्ठी करके इधर डाली है। तो ये लो जी, फाइनली हम पहुँच गए रिज मैदान पे। और ऐसा रहा भाई रिज मैदान अपना, ये सबसे पहले तो उस झंडे को सलूट है जो कि हम सबकी शान है। और ये अपना आगे है, रुको जरा, इतनी भी जल्दी गया है। और यहाँ पे चल रही है कल की 26 जनवरी की तैयारी। मेरे हिसाब से तो अगर आप अभी प्लानिंग कर रहे हैं घूमने की आने की, तो एक हफ्ते के अंदर तक आप आओ तो इतनी स्नोफॉल, इससे कुछ परसेंट आप कम लगा लो तो मिल जाएगी आपको देखने को। और यहाँ चला है भाई छत से बर्फ निकालने का काम, वो भी जेसीबी के ऊपर चढ़ के। सबसे ज़्यादा अगर स्नोफॉल कहीं शिमला में है तो वो है यहाँ क्योंकि इतनी तो कुफरी में भी नहीं होगी, क्योंकि ये होगी इस टाइम 10 फुट से ज़्यादा जो कि इकट्ठी करके रखी है। और ये स्नोफॉल का कारवां, और ये हमारा स्नोफॉल की सीरीज अभी रुकने वाली नहीं है, अभी 10-12 ब्लॉग और ऐसे भी ज़बरदस्त आने वाले हैं। वो आएंगे शिमला से ऊपर रोड़ू नारकंडा पहाड़ों के, और अभी तो ये फर्स्ट एपिसोड हमने आज से शुरू किया है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का ब्लॉग, और हल्की हल्की अभी भी स्नोफॉल शुरू हो चुकी है, लेकिन बहुत मामूली वाली, बहुत जिसको कम कहते हैं। तो आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा है, अच्छा लगा है तो ब्लॉग को लाइक करना है और चैनल को करना है सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।